12,439 बसें उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बेड़े में है, लेकिन उत्तर प्रदेश अभी इधर उधर भागते अपने मजदूरों का इलाज नहीं कर पा रहा है। बात कोरोना की करें तो थाली वाली बजाने तक सब ठीक है, कोरोना का कोई इलाज नहीं है ये भी ठीक है, लेकिन मेडिकली हम आप कितने मजबूत हैं इस पर भी बात होनी चाहिए। यूपी में 21 करोड़ की आबादी पर 78,000 डॉक्टर हैं, जबकि 21 लाख डॉक्टर होने चाहिए। तो जब डॉक्टरों की संख्या ये है तो अस्पतालों के बारे में आप खुद ही आकलन कर लीजिए। तो कुल मिलाकर हम लड़ नहीं सकते, हम छिप सकते हैं। इसीलिए यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ को छोड़कर तमाम मंत्री तमाम नेता छिपे हुए हैं, अमीर महाभारत देख रहे हैं, उद्योगपति घर में छुपे हुए हैं, गरीब आदमी सड़कों पर अपने घर पहुंचने की महाभारत खेल रहे हैं। सरकार सच कह रही है आप छिप जाइए, कोरोना का अगर इलाज होता भी तो यूपी और भारत में आपको छिपना ही पड़ता, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इधर उधर मत भागिए, आपकी जान जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के तय मानकों के मुकाबले प्रति 1,000 की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, यानी कि तय मानकों के आंकड़ों से 11 गुना कम। और अगर यूपी और बिहार के आप आंकड़ों को देख लेंगे तो वो और भी ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं, नीति आयोग के हेल्थ इंडेक्स 2019 में 21 राज्यों के हेल्थ बेसिस पर एक सूची तैयार की गई। इस सूची में 21 राज्यों को शामिल किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश इसमें 20वें नंबर पे था और बिहार आखिरी नंबर पे था, जबकि केरल पहले नंबर पे था, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे था। लेकिन फिर भी भारत में कोरोना का कहर इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा है। कोरोना से लड़ाई में हम कहां हैं? जवाब है कि अभी हम अपने कामगारों को उनके घर पहुंचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब खाली होंगे तो कोरोना से भी लड़ लेंगे। ट्रेन से आने वाले, बसों से जाने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग तक नहीं कर पा रहे हैं। भारत में कोरोना अभी दूसरी स्टेज पर है। दूसरा स्टेज यानी कि अभी वो वक्त है जब कोरोना विदेश से आए हुए लोग या उनके रिश्तेदारों को हो रहा है, यानी कि कोरोना अभी अमीरों की बीमारी बना हुआ है। तीसरा स्टेज तबाही लाता है जब वो आम लोगों को पकड़ता है।